I came especially because when I was told here, I had an opportunity to come here. I was pretty sure that if I didn't come, I would not have missed this opportunity. So I said that I should not miss this opportunity. I should not miss this opportunity. I should not miss this opportunity. मेरी खुशनसीबी थी कि उनके साथ भी मैंने एक जुएट गाई थी बॉबी लहरी जी के साथ बिंगो 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 उनका खास पॉप स्टाइल नहीं था लेकिन मुन्ना भाई ने इतना ज़बरदस्त तरीके से गाए थे वो गाना बिंगो 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 हमारे साथ और विजय बैदरी के साथ सो आई नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट जहाँ हम स्टूडियो में हम लोग गा रहे थे और कह रहे हैं मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के गाने हैं इज यूज टू सिंगिंग वेरी नाइस टेक्निकल गायकी वाले गाने और ये जो है थोड़ा सा पॉप स्टाइल के तो लेकिन बहुत ज़बरदस्त गाए और ये एकदम हिट नंबर नहीं है लेकिन आप ज़रूर सुनिएगा कभी उनके स्टाइल का वैरायटी आप देख लीजिए किस तरह के मतलब आर्टिस्ट हैं ही सच अ वंडरफुल आर्टिस्ट बट सबसे बड़ी बात यह है कि एक दुनिया में लोग कहते हैं कि रहते हैं साथ में फिल्म इंडस्ट्री में लोग रहते हैं साथ में बड़े हो जाते हैं बहुत पैसे वाले हो जाते हैं बहुत ये हो जाते हैं बहुत नाम वाले हो जाते हैं और जान नहीं पाते कि इंसान कैसे सब अजनबी है लेकिन मुन्ना ऐसे कि एक झलक में एक ही गाना मैंने गाया था उनके साथ कि मुझे मालूम कर गया था कि ये इंसान कैसा एक ही एक्सपीरियंस में और मेरा हमेशा उसी समय का इज्जत अभी तक और हमेशा है और मैं चाहती हूँ कि ये इस वजह से हम आए हैं कहने के लिए कि आदमी और गायक जो है और गायिका जो भी है इंडस्ट्री में वो बड़े नहीं होते हैं नाम से दिल से और गायकी से और उनकी जो और आसे और व्यवहार से वो सबसे महान चीज़ है और मैं उसी को इज्जत करती हूँ और